बोनीविल सॉल्ट फ्लैट्स बने कैसे? ये काफी यहाँ पे ना इस जगह को बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में यूज किया गया है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम हैं इस समय सॉल्ट लेक सिटी में और यहाँ पे हम ठहरे हुए हैं हैम्पटन इन में, और आज हम जाएंगे देखने बोनीविल सॉल्ट फ्लैट्स, और वहाँ से हम लोग निकलेंगे ओगलाला के लिए जो कि है वियोमिंग में। तो आज का रात का स्टे हमारा होगा ओगलाला में। तो अभी हमारा टाइम है जाने का बोनीविल सॉल्ट फ्लैट्स, सो कम अलोंग। सॉल्ट लेक क्रॉस की है, और हैरान करने वाली ये बात थी कि जब हम रात को यहाँ से आ रहे थे तो हमें दिख रहा था कि बहुत बड़ी सॉल्ट लेक है, तो हमें लगा हमारे दोनों तरफ पानी होगा, बट सुबह जब हमने देखा तो काफ़ी हद तक जो लेक है वो सूख गई है। आई थिंक बिकॉज ऑफ समर, गर्मी बहुत पड़ती है, तो पानी काफ़ी अंदर तक था। जो उसके साइड के बीचेस हैं वो जो भी हमारे सड़क के साथ में दिख रहे थे वो काफ़ी जो है सूख चुके थे। वहाँ से हमें सॉल्टी सॉल्ट दिख रहा था, बिल्कुल वाइट फ्लैट दिख रहा था। और अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं इंटरस्टेट 80 पे, और कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे बोनीविल सॉल्ट फ्लैट्स। और जिस सड़क पे हम ट्रैवल कर रहे हैं वो एकदम स्ट्रेट है, इट इज़ लाइक एरो स्ट्रेट, तो होपफुली जितना सोना है उसे अच्छी निकले, हैरान कर देने वाले निकले। तो मिलते हैं आपसे बोनीविल सॉल्ट फ्लैट्स में। तो गाइस, सोचा जब तक हम लोग सॉल्ट फ्लैट्स पहुंचते हैं मैं आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ। तो पहली बात, आप ना ये ब्लॉग पूरा देखिएगा, ये मतलब सभी ब्लॉग पूरे देखिएगा, क्योंकि जो मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बना रही हूँ ना, आई जस्ट टेक इट लाइक माय जॉब। मतलब गर्मी हो, सर्दी हो, रात हो, दिन हो, जैसा भी ओकेजन हो ना, उसी तरह से मैं घर से निकलती हूँ ताकि मैं आपके लिए हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है लेके आ सकूँ, आपको अमेरिका के अलग अलग जगहें दिखा सकूँ, वो एक्चुअल में कैसे दिखती हैं। और इसके अलावा अब आने वाले दिनों में मैं यहाँ के लाइफस्टाइल, यहाँ का जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, लोग कैसे रहते हैं, इन पे भी जो है बात करूँगी। फ़िलहाल तो आपको मालूम ही है, ट्रैवल करते समय शूट करना, इन्फॉर्मेशन देना, इट्स नॉट अ टाइम पास। सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए ना सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू। कुछ नहीं मिल रहा है, सुनिए, पानी वानी कुछ नहीं है क्या? पागल हो गए, तो पानी रुकता कुछ ही नहीं। कुछ दुआ करो उसे। गाइस, हम फाइनली हैं बोनीविल सॉल्ट फ्लैट्स में, और मैं आपको यहाँ का एक अमेजिंग अमेजिंग व्यू दिखाती हूँ। Thank you.
तो गाइज इट्स रियली अनबिलीवेबल, वी आर फाइनली एट बोनेविल सॉल्ट फ्लैट्स। आपको बता दूं कि ये जो जगह है ये है 120 माइल्स अवे फ्रॉम सॉल्ट लेक सिटी एंड इट इज़ ऑन इंटरस्टेट हाईवे 80 वेस्ट। और ये जो पूरी जगह है ना, इस टाइम पे मुझे सिर्फ दूर दूर तक नमक ही नमक, नमक के प्लेन्स दिख रहे हैं। और ये जो जगह है इसकी टोटल लेंथ, ये जो बोनेविल सॉल्ट फ्लैट्स हैं इसकी टोटल लेंथ है 12 माइल और ये फैले हैं कुछ 46 स्क्वायर माइल के एरिया में और इनकी जो विड्थ है वो है 5 माइल। एक और चीज़, यहाँ पे जो सर्दियों में टेम्परेचर है वो हो जाता है सब ज़ीरो और गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा। और अब बात करते हैं ये बनिया कैसे, ये सॉल्ट बोनेविल सॉल्ट फ्लैट्स बने कैसे। बहुत देर पहले यहाँ पे थी बोनेविल लेक जो कि कुछ क्लाइमेटिक ड्रास्टिक क्लाइमेटिक कंडीशंस और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सूख गई एंड फाइनली कन्वर्ट हो गई इन लार्ज डेजलिंग सॉल्ट प्लेन्स में। एंड दिस प्लेस इज़ इंडीड वेरी ब्यूटिफुल। आपको बता दो अगर आप यहाँ आ रहे हैं और कुछ टाइम यहाँ बिताना चाहते हैं ना, तो आप अपनी हैट, अपने सन ग्लासेस, क्योंकि जो सनलाइट है वो ये सॉल्ट रिफ्लेक्ट करता है और सीधी आपकी आइज़ में वो रिफ्लेक्ट होता है और बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सन ग्लासेस ज़रूर लाएँ अपने पास, पानी बहुत सारा रखें, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ। और ये एरिया इज़ ब्यूटिफुल टू एक्सप्लोर। यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ अंदर तक लेकर आए हैं और उन्हें ड्राइव कर रहे हैं और कुछ जो है बच्चे जो हैं यहाँ पे कुछ एक टायर काइंड ऑफ चीज़ है जिसे कि वो यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं, मुझे पता नहीं बट आई विल फाइंड इट आउट उसे क्या बोलते हैं। और मुझे लगता था कि ये ना बहुत लूज़ सैंड की तरह होगा बट मैं देखा सैंड की तरह लूज़ नहीं है, ये जो है काफ़ी हार्ड है। देखो अगर मैं देखूँ ना तो ये हार्ड है, मुझे लग रहा था कि ये सैंड की तरह लूज़ होएगा, लूज़ नहीं है, बहुत हार्ड है। है तो नमक पूरा सारा, ये पूरा सॉल्ट है बट बहुत हार्ड है। शायद यहाँ बारिश पड़ी है कैसे काफ़ी हार्ड हो गया है। एक चीज़ और ऑब्जर्व करें, पूरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे पूरे। अगर आप इसका बेस पूरा नीचे देखें फ्लोर पर, तो फ्लोर पर पूरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं राइट। और कुछ लोग जो है अपनी गाड़ी जो है अंदर लेकर आए हैं, साइकिल्स भी लेकर आए हैं, वो देखो सामने वहाँ पे गाड़ियाँ अंदर आई हैं सॉल्ट फ्लैट्स के अंदर और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दूर तक फ्लैट्स के अंदर जा रहे हैं गाड़ियाँ लेके और पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर रहा है। साइड पे रोड पे खड़े होके इतना मज़ा नहीं आता जितना कि आप बीचों बीच दूर आप वॉक करके जाओ और फील करो कि आप इन सॉल्ट प्लेन्स के अंदर खड़े हैं, तो फीलिंग ही कुछ अलग है। और दूर दूर कुछ पहाड़ है, ये कौन से पहाड़ है आई नीड टू रिसर्च। और अब मैं काफ़ी आगे तक चल कर आ गई हूँ तो आपको यहाँ का 360 डिग्री व्यू दिखाती हूँ। जब आप यहाँ पे गाड़ी चलाएं ना तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ आप गाड़ी चला रहे हो ना वो एरिया डार्क नहीं होना चाहिए। डार्क का मतलब कि वो एरिया वेट है और अगर आप वहाँ अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है फंस सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए कि ये बोनेविल सॉल्ट फ्लैट जो है वो फेमस है वो है यहाँ का स्पीडवे। तो ये जगह इतनी फ्लैट है कि इस जगह को यूज़ किया जाता है लैंड स्पीड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। तो बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से यहाँ आए हैं लैंड स्पीड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए और वो जगह जिसको कि यूज़ किया जाता है लैंड स्पीड रिकॉर्ड बनाने के लिए वो फेमस है स्पीडवे के नाम से। तो अब यहाँ के बाद हम वहाँ जाएंगे और आपको स्पीडवे दिखाएंगे जहाँ पे कि लोगों ने बहुत सारे
लैंड स्पीड रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं यहाँ पे ना। इस जगह को बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ में यूज़ किया गया है, बट सबसे फेमस जो हॉलीवुड मूवी है वो है द फास्टेस्ट इंडियन, बर्ट मुनरो। उन्होंने एक इंडियन स्काउट मोटरसाइकिल को यूज़ किया था टू ब्रेक टू व्हीलर्स का लैंड स्पीड रिकॉर्ड, और ये बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है। मैं सजेस्ट करूँ कि आप ये ज़रूर देखें। और यहाँ पे वार्निंग साइन लगे हुए थे स्नेक्स के और स्कॉर्पियंस के, तो यहाँ पे बिच्छू और सांप जो हैं वो होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है यहाँ वहाँ झाड़ियों में, झाड़ियाँ तो मुझे कहीं दिख नहीं रही हैं बट जहाँ पे भी है आपको हाथ नहीं डालना है, क्योंकि बिच्छू और सांप इन सॉल्ट डेजर्ट्स में हो सकता है। मुझे लगा था कि जब हम यहाँ आएंगे ना जो सॉल्ट है ना सैंड की तरह लूज़ होगा, बट ये तो बिल्कुल सीमेंट की तरह हार्ड है। सीमेंट जम जाता है ना तो बिल्कुल उसकी तरह हार्ड है, बिल्कुल पत्थर है, ये सॉल्ट का बिल्कुल पत्थर सा बना हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे एक जगह बनी हुई है, एक रोड है, मतलब इंटरस्टेट हाईवे 80 पे ही एक सेक्शन है जहाँ पे कि आप अपने स्पीडोमीटर को चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे एक साइनेज है जहाँ लिखा है 0 माइल, वहाँ से आपको अपने गाड़ी की स्पीड रखनी है 80 माइल पर आवर, और वहाँ से स्टॉप वॉच आपको शुरू कर देनी है। तो आफ्टर 45 सेकेंड एक फिर से एक साइनेज आएगा जहाँ पर लिखा होगा 1 माइल। तो एग्जैक्टली अगर आप 45 सेकेंड में 1 माइल वो कवर कर सकते हैं तो इसका मतलब आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं 80 माइल पर आवर की स्पीड से। दूसरी चीज़ उन्हें एक और रखा है कि अगर आप वो नहीं चेक कर सकते हैं तो फिर आपको चेक करना है कि 3 मिनट के बाद जो है उन्होंने एक और साइनेज रखा है 4 माइल्स का। तो 3 मिनट में आपको कवर करने हैं 4 माइल्स, और एग्जैक्टली 3 मिनट में अगर 4 माइल्स कवर कर जाते हैं तो इसका मतलब आप जो चल रहे हैं 80 माइल्स पर आवर की स्पीड से। और दिस इज इट, इस तरह से हम वहाँ पर अपना स्पीडोमीटर चेक करते हैं। आई थिंक हम ही नहीं बाकी सब लोग बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और वहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं, यार दिखेगा नहीं, मेटाफर। गाइस हम अपनी गाड़ी लेके सॉल्ट फ्लैट्स में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि गाड़ी कैसे चलती है और कैसा फील होता है, तो पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे स्पीडवे में। कम अलोंग।